Can you please tell me a little bit about your project? इस प्रोजेक्ट के अंदर होता ही है सॉम रोबोटिक्स के अंदर कि हमारे पास मल्टीपल ग्रुप ऑफ रोबोट्स जिसके अंदर हमारे पास मोर स्पेसिफिकली अनमैन्ड व्हीकल्स आते हैं जो कि ऑटोनोमसली सिंक्रोनाइज कंट्रोल किए जाते हैं यूजिंग मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. अगर हम इसको और लेमैन वर्ड्स के अंदर डिफाइन किया जाए तो दीज दे कैन परफॉर्म द टास्क विच कैन नॉट बी डिप्लॉयड एंड कैन बी डन बाय द इंडिविजुअल अनमैन्ड व्हीकल्स. सो दैट इज द सॉम रोबोटिक्स. कैन यू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ दिस इन्वेंशन एक्चुअली वर्क्स? बेसिकली स्वार्मिंग परफॉर्म करवाने के लिए आपने कोई ना कोई एल्गोरिथम को डिप्लॉय करके डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में काम करना होता है, जिससे हम R&D के साइड पे आ जाते हैं. और स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने खुद एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है जिसका नाम ASA एल्गोरिथम. और इस एल्गोरिथम के अंदर हमने डेटा साइंस जिसमें डेटा एनालिटिक्स यूजिंग द माइक्रो पाइथन सी, देन द रॉस रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज़ यूज्ड फॉर द लोकलाइजेशन पैटर्न. दैट इज़ द टेक्निकल फीचर. रोबोटिक्स इज अ वेरी वास्ट फील्ड, तो कैन यू गिव मी एन आइडिया ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट? रियल वर्ल्ड में जिस तरह हमें पता है कि दुनिया वर्ल्ड इज़ अ वोलेटाइल, ठीक है, और डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती जा रही है और नाउ द वर्ल्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट द ऑटोनोमस सिस्टम यूजिंग द अनमैन्ड व्हीकल्स, ठीक है. और अगर हम इसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की बात की जाए तो राइट नाउ हमने इस पर एक ग्लोबल एप्लीकेशंस को टारगेट किया है जो कि एक्सटिंग्विश द फायर इन द एनी अननोन एरिना, जो कि इंस्पिरेशन थी हमारे पास ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास जो डिज़ास्टर पेश आया था जिसकी कॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी, ठीक है. और अगर हम इसकी मज़ीद और एप्लीकेशंस की बात करें जो कि कोर इसकी टेक्नोलॉजी है वो है आर्म्ड मिलिट्री पर्पस, जिसके अंदर हमारे पास इंटेलिजेंस आ जाती है, पेट्रोलिंग आ जाती है, ऑटो पायलट फीचर्स आ जाते हैं, हमारे पास पैटर्न फॉर्मेशन है, एनी पैटर्न कुड बी परफॉर्म इफ द यूजर वांट्स. हार्डवेयर में हमारे पास 4 अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स इन्वॉल्व हैं जो कि मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं. इसमें हमारे पास एनी वन ऑफ द नोड कुड बी एक्ट एज अ मास्टर एज वेल एज द स्लेव नोड. इसमें हमारे पास टाइम सिंक्रोनाइजेशन यूज़ हो रही है जिसके तहत हमारे पास प्रोग्राम करके हमारे पास एक अल्फा एंड द रेस्ट ऑफ नोड एक्ट एज अ बीटा और यू कैन से द स्लेव नोड्स. अगर हम पैटर्न फॉर्मेशन की बात करें जिसमें हमारे पास मास्टर एंड स्लेव हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिकली दिस इज़ द मास्टर नोड एंड दिस इज़ द डिसीजन मेकर नोड एंड द रेस्ट ऑफ देम आर द स्लेव्स विच आर टाइम सिंक्रोनाइज्ड विद द मास्टर नोड. हमारे पास जो भी आइट्रेशन और कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है वो मास्टर नोड के अंदर है एंड देन दे आर लोकलाइज्ड विद द रेस्ट ऑफ द नोड्स. और इसके साथ मैक्सिमम 20 नोड्स ऑफ स्लेव्स कैन बी इजीली अटैच्ड. हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं दे आर क्वाइट हेल्पफुल एंड दे आर क्वाइट मोटिवेशनल के स्टूडेंट्स नए फील्ड्स पे काम किया जाए. इस प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली जो सुपरवाइज किया है मिस्टर डॉक्टर सलीम, थैंक्स टू हिज अमेजिंग आइडिया एंड अंडर हिज सुपरविजन वी आर सक्सेसफुली डेवलप द एल्गोरिथम एंड गोइंग टू पब्लिश इन द IEEE.